प्रदेश के जनपद गोंडा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गोंडा जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग छपिया की बड़ी लापरवाही उस समय सामने आई है जब दरियापुर प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में विद्यालय के छात्र एवं आंगनवाड़ी के बच्चे पढ़ रहे थे, तभी छत भरभरा कर नीचे गिर पड़ी, जिससे कक्षा में पढ़ रहे 10 छात्रों में से 8 बच्चे घायल हो गए। वही 8 घायल बच्चों को सीएससी छपिया में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल गोंडा के लिए रेफर किया गया। गोंडा जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। बताते चले कि गोंडा के छपिया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय दरियापुर की प्राथमिक विद्यालय की छत गिरने से उस समय हड़कंप मच गया जब प्राथमिक विद्यालय के बच्चे एवं आंगनवाड़ी के बच्चे विद्यालय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। छत के नीचे दबे छात्रों को ग्रामीण अभिभावक व अध्यापकों ने मिलकर निकाल कर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र छपिया में भर्ती कराया, जहां पर जिलाधिकारी नितिन बंसल ने बताया कि 2 छात्रों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन अभिभावकों के आग्रह पर सभी 8 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि कक्षा 4 का एक बच्चा और 4 आंगनवाड़ी के छात्र घायल हैं। पुलिस अधीक्षक आर के नैयर ने बताया कि विद्यालय में 10 बच्चे थे, जिसमें से 8 बच्चे घायल हो गए। इन घायलों को सीएससी छपिया में भर्ती कराया गया, जहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। विद्यालय दरियापुर विकासखंड छपिया के अंतर्गत आता है, इसमें आज एक दुर्घटना हुई जिसमें पहली कक्षा के 4 बच्चे और आंगनवाड़ी केंद्र के 4 बच्चे घायल हुए हैं। उन सभी का उपचार पहले प्राथमिक उपचार छपिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कराया गया, उसके बाद उनका जो गंभीर घायल बच्चे थे उनका उपचार जिला अस्पताल गोंडा में कराया जा रहा है। सभी बच्चों का उपचार पीएमएस की देखरेख में अच्छे तरीके से कराया जा रहा है और हर संभव मदद कराई जा रही है। बताया गया है कि विद्यालय 1990 के लगभग का निर्माण है और इसमें पिछले विगत महीनों में कायाकल्प योजना के अंतर्गत मरम्मत का कार्य कराया गया था और जो छत डाली गई थी उसमें मरम्मत कराई गई थी और उसी में से कुछ हिस्सा जो छत का है उसके क्षतिग्रस्त होने की वजह से वो गिरा है। उसकी जाँच कराई जाएगी कि ये किस प्रकार मरम्मत कराई गई थी और क्या मरम्मत कराई गई थी। अभी हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो बच्चे घायल हुए हैं उनका बहुत अच्छा इलाज हो और सभी स्वस्थ हो जाएं। उन सभी के गार्डियंस हैं, अभिभावक हैं, उनको भी साथ में ले जाके जिला अस्पताल में उनका बेहतर से बेहतर इलाज कराया जा रहा है और हर संभव उनकी जो मदद कराई जानी है वो कराई जाएगी। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई इलेक्टेड प्रधान या सेक्रेटरी या फिर विद्यालय के अगर कोई टीचर इन्वॉल्व होंगे, उन सब के खिलाफ अगर दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया दैवीय आपदा मानी जाएगी सर, ये क्या किस दुर्घटना है? ये दुर्घटना की श्रेणी में है सर। ये दुर्घटना किसको श्रेय देंगे आप, शिक्षा विभाग को या यहाँ के पंचायत? देखिए, जांच का विषय आज जैसे मैंने पहले कहा, पहली प्राथमिकता हमारी आज की ये है कि इन बच्चों का सही से अच्छे से उपचार हो और उपचार होगा वो जांच जो है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा भी और पंचायती राज विभाग द्वारा, जिसकी धनराशि से ये निर्माण कार्य या मरम्मत का काम कराएगा उसके द्वारा की जाएगी। सर, इसके लिए कोई नामित किया गया? अभी ऐसी सर, जो बच्चे फ्रैक्चर हुए हैं जिनका, उनको सब कुछ आर्थिक सहायता दी जाएगी? अभी सबसे पहले हम इलाज करा रहे हैं, इसका प्रस्ताव भी हम भिजवाएंगे, जो आर्थिक सहायता दे होगी जो नियम अनुसार। छत गिर गई है, बच्चे घायल हो गए हैं, कितने बच्चे हैं और कैसे कंडीशन है, क्या मामला था? जनपद गोंडा के छपिया थाना क्षेत्र में दरियापुर गाँव है, वहाँ के प्राथमिक विद्यालय की छत का हिस्सा आज गिर गया है, जिसमें उस समय कक्षा में 10 बच्चे थे, जिनमें से 8 को सीएचसी छपिया लेके जाया गया, वहाँ से 8 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोंडा लाया गया। सीएचसी के डॉक्टर और यहाँ के डॉक्टर से बात हो गई है, सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं, घबराने की बात नहीं है, बाकी आगे कार्रवाई चलती है। क्या इसकी इन्फॉर्मेशन डीएम को भी देंगे साहब? कायाकल्प योजना चल रही है और छत इतना जर्जर है। ये डीएम साहब के पास ऑलरेडी इसकी इन्फॉर्मेशन है, डीएम साहब इस समय छपिया में ही है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार श्रीवास्तव के साथ सुनील वर्मा की रिपोर्ट, गोंडा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के विकासखंड छपिया के प्राथमिक विद्यालय दरियापुर में भवन गिरने से घायल हुए बच्चों को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी गोंडा ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी जर्जर प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची मांगी। जर्जर भवनों में शिक्षण कार्य कतई न करने के आदेश दिए, साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी कि जर्जर भवनों में कायाकल्प योजना के तहत तकनीकी परीक्षण के बाद ही काम होगा। डीपीआरओ को डीएम ने आदेश भी दिए। प्रथम दृष्टया दैवीय आपदा मानी जाएगी सर, ये क्या किस दुर्घटना? ये दुर्घटना की श्रेणी में है सर। ये दुर्घटना किसको श्रेय देंगे आप, शिक्षा विभाग को या यहाँ के पंचायत? देखिए, जांच का विषय आज जैसे मैंने पहले कहा, पहली प्राथमिकता हमारी आज की ये है कि इन बच्चों का सही से अच्छे से उपचार हो और उपचार होगा वो जांच जो है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा भी और पंचायती राज विभाग द्वारा, जिसकी धनराशि से ये निर्माण कार्य या मरम्मत का काम कराएगा उसके द्वारा की जाएगी। सर, इसके लिए कोई नामित किया गया?
अभी ऐसे सर जो बच्चे फ्रैक्चर हुए हैं जिनका उनको सब कुछ आर्थिक सहायता दी जाएगी। अभी सबसे पहले हम इलाज करा रहे हैं, इसका प्रस्ताव भी हम भिजवाएंगे जो आर्थिक सहायता दे होगी जो नियम अनुसार। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सुनील वर्मा की रिपोर्ट, गोंडा।